संविदा पे जो लोग लगे हैं उनको प्राथमिकता मिले। जिस तरीके से संविदा पे जो काम करने वाले बाबू कैटेगरी है या अन्य कैटेगरी है उनको 30% बोनस दे करके और उनका जो किया जाता है सिलेक्शन, इसी तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं, सबकी राय मशवरा ले रहे हैं, प्रावधान। सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष किशन लाल जैदिया का सफाई मजदूर कांग्रेस वाल्मीकि समाज ने किया भव्य स्वागत। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयर ने सफाई कर्मचारियों की समस्या संबंधी सौंपा ज्ञापन। सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री किशन लाल जैदिया पुष्कर में देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के निमंत्रण पर सहस्त्रधारा और जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां नगर निगम प्रशासन की ओर से और नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन व वाल्मीकि समाज की ओर से अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयर व उनकी पूरी टीम ने जैदिया का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयर ने जैदिया को ज्ञापन सौंपकर अस्थायी कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने, जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने, सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द मकान बनाकर देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे मुख्यमंत्री से वार्ता कर उनकी मांगों को जल्द पूरा करवाएंगे। सफाई को लेकर के समस्या ये है कि मैन पावर यहाँ बहुत कम है और जनसंख्या के जो हेल्थ मैनुअल एक्ट है, जो पैटर्न है, उस हिसाब से यहाँ जो संख्या होनी चाहिए सफाई कर्मचारियों की वो नहीं है। दूसरा जो है कि सफाई 2018 में जो भर्ती हुई थी माननीय वसुंधरा जी ने की थी, जबकि सफाई कर्मचारी पद के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है, ये चतुर्थ श्रेणी से भिन्न है और डी ग्रुप से अलग है, डी ग्रुप तक ही आरक्षण लागू है। ज़बरदस्ती आरक्षण इनका पुनर्वास नहीं हुआ सफाई कर्मचारियों का, अभी ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, उसी काम से अपना धंधा चला रहे हैं। जब इनके हो जाएं तब तो अगर कुछ करे हो तो एक अलग बात है, लेकिन बीच के अंदर ही उन्होंने 2018 के अंदर, जबकि किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान के अंदर माननीय वसुंधरा जी ने घोर अन्याय वाल्मीकि समाज के साथ में किया, जो परंपरागत सफाई के कार्य करता है और उसी के ऊपर वो जो है ना अपना गुजर बसर कर रहा है, क्योंकि इनके पास न तो कोई कल कारखाने, न फैक्ट्री, न खेती, न बाड़ी, इसलिए जो है अपना, और धीरे धीरे इसी से वो पढ़ा रहे, लिखा रहे बच्चों को, आगे बढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस काम को छोड़ रहे हैं। अब आगे किस तरह से रहेगा सर आपकी? आगे हमारा पूरा प्रयास है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये दलितों की हितैषी सरकार है, वाल्मीकि समाज की हितैषी सरकार है, किसानों, मजदूरों, सबकी हितैषी सरकार है। जिस तरीके का जो 18 के अंदर जो वसुंधरा जी ने वाल्मीकि समाज के अंदर भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती में अन्याय किया, उस तरीके का अन्याय मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। संविदा पे जो लगे हुए सफाई कर्मचारी उनकी भी मतलब काफी मांगे हैं, तनख्वाह में बढ़ोतरी। हमारा प्रयास है, अब की बार हम चाहते हैं कि संविदा पे जो लोग लगे हैं उनको प्राथमिकता मिले। जिस तरीके से संविदा पे जो काम करने वाले बाबू कैटेगरी है या अन्य कैटेगरी है उनको 30% बोनस दे करके और उनका जो किया जाता है सिलेक्शन, इसी तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं, सबकी राय मशवरा ले रहे हैं, प्रावधान रखेंगे। इसी के साथ मैं और एक बहुत बड़ा महर्षि भगवान वाल्मीकि जी प्रगट दिवस 9 अक्टूबर का हमारा है 2022 में, एक महासम्मेलन हम जो है ना अधिवेशन बुलाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बुलाएंगे और वहाँ हमारा दुख दर्द और भी जो है वो वहाँ हम सुनाएं। आज हमारे वाल्मीकि समाज के राज्य मंत्री दर्जा माननीय सम्माननीय किशन लाल जी जैदिया, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, आज अजमेर पधारे। अजमेर आगमन पर नगर निगम प्रशासन की ओर से एवं सफाई कर्मचारी यूनियनों की ओर से और हमारी वाल्मीकि समाज की ओर से हमने अभिनंदन और भय अभिनंदन रखा, और अभिनंदन के बाद हमने जो उनको ज्ञापन एक दिया छोटा सा, उसके अंदर हमने ये ज्ञापन दिया है कि अजमेर के अंदर पूरी राजस्थान में ही मतलब अस्थायी सफाई कर्मचारी 6,000 रुपये में काम कर रहा है, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है कि 6,000 रुपये में आज क्या होता है। इसलिए हमने माननीय आयुक्त इनको राष्ट्र समाज कर्मचारी आयोग जी को हमने अवगत कराया है कि आप जल्द से जल्द राज्य सरकार को अवगत करावें कि 6,000 में सफाई कर्मचारी नहीं कर सकता है, कम से कम 15,000 इनकी तनख्वाह करें, और नगर निगम के जो जितने भी सफाई कर्मचारी है उन्हें जो है अलाउटमेंट, क्वार्टर अलाउटमेंट करें। ये हमारी दो मांगे हैं जो हमने इनसे लिखित रूप में हमने दी है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द
मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर उनसे वार्ता कर इन मांगों पर अवश्य रूप से कार्रवाई करूंगा और आपको वापस अवगत कराऊंगा। भर्ती भी काफी आज जो भर्ती के लिए भी इन्होंने कहा कि मैं अब जो नेक्स्ट भर्ती होगी 2018 में हुई थी, अब जल्द से जल्द एक दो महीने के अंदर ही पूरी राजस्थान में भर्ती होगी, लेकिन सिर्फ वाल्मीकि समाज के ही लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके अंदर आज हमारे आचार्य जी रामसुरु जी पंवार जी सत्यनारायण जी लखन जी नौरथ जी ढेनवाल साहब ओम प्रकाश चौहान और राजेश जी ढेनवाल साहब मुकेश जी अमित लखन हम लोग सभी मिलकर यहाँ वाल्मीकि समाज के प्रमुख लोग अभिनंदन के बाद हमने एक ज्ञापन भी दिया।